तो जनाब, अगर आप मशीन लर्निंग फील्ड में जाना चाहते हैं तो आज मैं आपको मशीन लर्निंग का एक कंप्लीट रोड मैप देने वाला हूं, जहां पर मैं बताऊंगा कि आपको स्टेप वन में क्या करना है, स्टेप टू में क्या करना है और स्टेप थ्री में क्या करना है। और इस कंप्लीट रोड मैप के साथ में मैं 15 ऐसे रिसोर्सेज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ जहाँ से आप कंप्लीट मशीन लर्निंग सीख सकते हैं और ये इंडस्ट्री के बेस्ट रिसोर्सेज होने वाले हैं। प्लस जितनी भी चीज़ें समझाऊंगा उनके नोट्स भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो कुल मिला के इस रोड मैप को देखने के बाद आपको पता होगा कि इस वीडियो के बाद क्या फर्स्ट स्टेप आपको लेना है मशीन लर्निंग के लिए। तो फिर कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली, तो इस वीडियो को पूरा एंड लास्ट तक फोकस के साथ देखिएगा। चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। तो जनाब, हम लोग आ चुके कंप्यूटर के स्क्रीन पे। अब हम लोग मशीन लर्निंग का यहाँ पे रोड मैप को समझने वाले हैं। सबसे पहले स्टेप वन में हम लोग को यही समझना है कि मशीन लर्निंग क्या है। आप कहोगे क्या बात कह रहे हो भैया, मशीन लर्निंग पता है मेरे को। हो सकता है आपको इनडेप्थ नॉलेज हो मशीन लर्निंग क्या है, बस आप रोड मैप जानना चाहते हो। बट कुछ लोग होते हैं जिनको एक्चुअल नहीं पता है कि मशीन लर्निंग क्या है, कहाँ कहाँ पर मशीन लर्निंग का अभी के समय में यूज़ हो रहा है या फिर क्या स्कोप है इसका फ्यूचर में। देखो, अगर यहाँ पे एक डिफिनेशन लिखी, थोड़ा सा अगर आप एक मिनट दें तो यहाँ इसको समझते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। मशीन लर्निंग इज़ अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अगर किसी को नहीं पता है तो मशीन लर्निंग एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। मतलब आर्टिफिशियल एक बिल्कुल ब्रॉड टर्म है, उसके अंदर सबसेट है मशीन लर्निंग, ठीक है। दैट अलाउज कंप्यूटर्स टू लर्न फ्रॉम एंड मेक डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा, जो कि कंप्यूटर की सहायता करता है या कंप्यूटर को सक्षम बनाता है डेटा को समझ के, डेटा को पढ़ के डिसीजन लेने में, ठीक है। विदाउट बीइंग एक्सप्लिसिटली प्रोग्राम, मतलब हमको कोई अलग से उसके लिए प्रोग्राम या कमांड नहीं लिखनी पड़ती है। एक बार आपने डेटा दिया, उसने डेटा को देखा, डेटा को लर्न किया, देन पैटर्न्स बनाकर खुद से कुछ कुछ डिसीजन लेते हैं, ठीक है। अगर वो डिसीजन रॉन्ग होते हैं तो हम लोग उनको रीवाइंड करते हैं एक तरीके से, फिर से उसको समझाते हैं। धीरे धीरे वो ऐसा हो जाता है कि वो जो मशीन लर्निंग मॉडल है वो बिल्कुल परफेक्टली काम करने लगता है। अब 100% कोई भी मॉडल परफेक्टली काम नहीं करता है, बट 98 और 99% भी अगर वो सही से प्रेडिक्शन कर पा रहा है, सही से वर्क कर रहा है, तो वो मॉडल बहुत बढ़िया माना जाता है अभी के समय में, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब चीज़ें हम लोग को बस ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि आज के समय में मशीन लर्निंग सिर्फ एक दो जगह नहीं, बहुत सी जगह पे आपकी यूज़ हो रही है। आप मशीन लर्निंग के जितने कहें उतने मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। आप अगर इस समय यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, वहाँ पर भी आपकी मशीन लर्निंग यूज़ हो रही है। देन अगर आप नेटफ्लिक्स पे भी पिक्चर देखेंगे जाके, वहाँ पे भी मशीन लर्निंग यूज़ हो रही है। कैसे? मान लो वीडियो आप देख रहे हो, उसके अगल बगल कुछ वीडियो का सजेशन आ रहा है, तो ये सजेशन कैसे आ रहा है? ये मशीन लर्निंग आपकी बिहेवियर के पैटर्न के अकॉर्डिंग देता है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, एक्यूरेट तो नहीं होगा बट आप समझ सकते हो। कि मान लो आपने कंप्यूटर खोला, आपने 5 वीडियोस देखी, 5 में 4 वीडियोस आपने कोडिंग रिलेटेड देखी और 1 वीडियो आपने स्पेस रिसर्च से रिलेटेड देख ली, ठीक है। तो ये मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जो नेक्स्ट वीडियो का सजेशन होगा वो 98% या 99% चांस है कि कोडिंग रिलेटेड वीडियो का ही सजेशन आएगा। बट ये सिर्फ 5 वीडियो को देख के नहीं होता है, 5 वीडियो को तो मैंने एग्जांपल दिया है। आप अभी तक जितनी वीडियोस देखो एक वीक के अंदर या फिर 2-3 दिन के अंदर, वो सारी हिस्ट्री देखता है, आपकी बिहेवियर को समझता है कि कौन सी वीडियोस पे ज़्यादा क्लिक करता है सामने वाला पर्सन, उस हिसाब से पैटर्न बनाता है। और ये हर इंसान के लिए अलग अलग होता है। YouTube का जो एल्गोरिथम है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है, वो मॉडल क्या करता है कि सबका अलग अलग डेटा है। आपका अपने जीमेल का अलग डेटा है, आपके भाई का अलग होगा, आपके पड़ोसी का अलग होगा, तो सबके डेटा के अकॉर्डिंग अलग अलग तरीके से अलग अलग सजेशन देता है। ज़रूरी नहीं कि जो सजेशन, जो रिकमेंडेशन आपको मिल रही है वही आपके भाई को मिलेगी। उसका जो इंटरेस्ट होगा, उसका जो बिहेवियर होगा, उसके अकॉर्डिंग अलग वो पैटर्न बना के देगा। आपके बिहेवियर और आपके पसंद के इंटरेस्ट के हिसाब से अलग रिकमेंडेशन देगा। यही चीज़ नेटफ्लिक्स के साथ देखने को मिलती है, यही चीज़ फेसबुक इंस्टाग्राम के साथ भी देखने को मिलती है कि आप जिन पोस्ट पर ज़्यादा टाइम देते हो, जिन पर लाइक करते हो, जिनके साथ इंटरेक्ट करते हो, उसी टाइप की पोस्ट रिकमेंड होती हैं। प्लस आपका अमेजोन ले लो, वहाँ पर भी अगर कोई भी चीज़ आप सर्च करके उसको अपनी कार्ट में डालते हो तो उसी से रिलेटेड और रिकमेंडेशन आ जाती हैं। ये सब मशीन लर्निंग का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। अगर आप और इसको इनडेप्थ में समझना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, AI जैसे आपका गूगल असिस्टेंट हो गया, आपका क्या कहते हैं एलेक्सा हो गई, इनमें भी मशीन लर्निंग एल्गोरिथम है। आपका जो ऑटोमेटिक सेल्फ ड्राइविंग कार्स आ रही है, जैसे आपका टेस्ला है, उसके अंदर भी मशीन लर्निंग आपका एल्गोरिथम लगा होता है। बट जो आपकी सेल्फ ड्राइविंग कार्स है, इनके अंदर जो आपका मशीन लर्निंग मॉडल है वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का होता है।
मतलब उसकी प्रिडिक्शन 99% सही होती है, क्योंकि उसमें इंसान की जान का सवाल होता है। अगर एक सेकंड का इधर का उधर हुआ तो आप समझ सकते हो कि बहुत गड़बड़ हो सकती है। तो वो जो बहुत सॉलिड मशीन लर्निंग आपके एक तरीके से प्रोबेबिलिटी भी करती है, प्रिडिक्शन करती है, वो अलग चीज़ है, ठीक है। तो वो क्या है कि जब आप किसी मॉडल को बनाते हो, देन उसको बार बार चीज़ों को समझाते हो, नया नया डेटा देते हो, स्ट्रक्चर वाइज डेटा देते हो, तब वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मॉडल बन के निकलता है। तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि भैया मशीन लर्निंग क्या है। मशीन लर्निंग एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ब्रांच है, जिसकी सहायता से कंप्यूटर को हम लोग ये करते हैं, एक तरीके से तैयार कर देते हैं कि डेटा को समझ के आप खुद से कुछ डिसीजन लो, हर चीज़ हमें ना बतानी पड़े, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर, अभी अगर मैं एक छोटा सा और एग्जांपल दूँ, तो जैसे जीमेल होता है, बहुत सारे मेल्स आए हुए होते हैं, तो उनमें से कुछ मेल्स ऑटोमेटिक स्पैम फोल्डर में चले जाते हैं, जबकि आप उनको नहीं डालते हो। वो कैसे? क्योंकि वो गूगल का जो ML है पीछे लगा हुआ, मशीन लर्निंग मॉडल, वो देखता है कि अच्छा ऐसे कुछ पैटर्न बन रहे हैं, पहले भी ऐसे कुछ स्पैम मेल्स उसने देखो, उसके पास डेटा बहुत सारा है, तो उसने पहले से बहुत सारे स्पैम मेल्स देख रखे होते हैं। तो अगर उनसे रिलेटेड कोई भी मेल आपके पास आता है, तो वो खुद ही बिना आपसे पूछे स्पैम फोल्डर में डाल देता है, ओके। अब आते हैं स्टेप टू पे है हमारे भैया, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। कोई भी आप मशीन लर्निंग मॉडल बनाने जा रहे हो, तो इस समय इंडस्ट्री के हिसाब से आपके पास दो ऑप्शन होते हैं, एक है पाइथन का, एक है आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का। भैया C++, सी जावा में नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बट वो उतना ईजी टू यूज़ नहीं है। जो चीज़ ईजी टू यूज़ है, जो चीज़ जिसके लिए बनी है, हम लोग उसी का यूज़ करेंगे। अब अगर यहाँ पे ऑप्शन रखा जाए कि भैया पाइथन को यूज़ करें कि आर को यूज़ करें, तो मैं और मेरे जैसे हजार लोग यूट्यूब पे, सभी जितने भी पर्सनली मैं जानता हूँ जो लोग ऑलरेडी इस फील्ड में हैं, सब सजेशन देंगे भैया आप पाइथन का यूज़ करें। क्यों? क्योंकि पाइथन के अंदर बहुत सारी अच्छी अच्छी लाइब्रेरीज मिल जाती हैं। पाइथन का अगर आप सीख जाते हो, तो पाइथन सिर्फ मशीन लर्निंग ही नहीं, आपका वेब डेवलपमेंट और ऐप डेवलपमेंट जगह जगह पे, मतलब पाइथन इतनी जगह यूज़ होती है कि मैं आपको गिनाऊंगा, आप गिनते गिनते थक जाओगे, पाइथन का यूज़ केस नहीं ख़त्म होगा। तो पाइथन का सिंटैक्स सरल है, पाइथन सीखने में आसान है, पाइथन का यूज़ बहुत ज़्यादा है, पाइथन के अंदर आप मशीन लर्निंग बहुत ईजी तरीके से कर सकते हो, बहुत सारी लाइब्रेरीज मिल जाती हैं, और क्या लोगे। तो इसलिए अगर आप जा रहे हो एक मशीन लर्निंग मॉडल बनाने के लिए मशीन लर्निंग फील्ड में, तो आँख मूंद करके आपको पाइथन सीख लेनी है, ये मैं कह सकता हूँ, ठीक है। आपको पाइथन से ज़्यादा कोई अच्छी लैंग्वेज मेरे हिसाब से नहीं है। आर भी काम वही करेगी, आर भी मशीन लर्निंग के लिए ही बनी है, बट फिर आर का अदर यूज़ केस कम है, पर पाइथन का अदर यूज़ केस बहुत ज़्यादा है, सरल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया कि इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद पहला स्टेप क्या लेना है, पाइथन नहीं आती तो पाइथन सीखो जाके। और ये पूरा रोड मैप मैं इस हिसाब से बना रहा हूँ कि अगर सामने वाले पर्सन को कुछ भी नहीं आता है, तब उसको कैसे कैसे चलना है। थोड़ा बहुत आता है तो आपको हो सकता है नॉलेज हो कि पाइथन मुझे आती है, तो नेक्स्ट में जो बता रहा हूँ आप उन चीज़ों पर जा सकते हो, ठीक है। तो आपको अगर कुछ नहीं आता, तो पहला स्टेप आपको है कि पाइथन आपको सीखनी है, ठीक है। सेकंड स्टेप पे पाइथन सीखने के साथ साथ जहाँ पे भी सीखोगे, अगर कोई अच्छा इंस्ट्रक्टर है, तो वो ज़रूर आपको पाइथन की लाइब्रेरीज़ के बारे में बताएगा और लाइब्रेरी सिखाएगा। तो दो लाइब्रेरीज पे आपको ज़्यादा फोकस करना है, एक आपका NumPy एंड Pandas, ये दोनों मशीन लर्निंग के लिए बहुत ही अच्छी लाइब्रेरीज मानी जाती है पाइथन के अंदर, और इन दोनों को आपको पाइथन के साथ साथ सीखना है, जिनका यूज़ केस काफ़ी अच्छा है। इनको सीखने के बाद क्या है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही होगी। कभी कभी पाइथन के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो लाइब्रेरीज हमारा काम कर देती हैं, ठीक है। तो पाइथन प्लस उसकी लाइब्रेरी सीखनी है थर्ड स्टेप में, ठीक है। अब आते हैं फोर्थ स्टेप में पाइथन के बाद आपको मैथ सीखनी पड़ेगी। मशीन लर्निंग सीखने जा रहे हो, तो ये मत सोचना कि मैथ्स नहीं लगने वाली है। एक वेब डेवलपमेंट ऐसा है कि जिसके अंदर मैथ उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होती, पर मशीन लर्निंग भैया मैथ्स पे ही काम कर रही है। देखो, जितनी भी प्रेडिक्शन है, जितनी भी प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिस्टिक्स हैं, सारी मैथ्स है। अगर आप मशीन लर्निंग में अच्छा प्रोफेशनल बनना चाहते हो, तो आप अगर मैथ नहीं आती तो नहीं बन सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता नहीं होगा कि कैसे एल्गोरिथम्स वर्क कर रहे हैं, बिहाइंड द सीन कैसे काम हो रहा है, कैसे प्रेडिक्शंस हो रही हैं। ये आप जब ही कर सकते हो जब आपको ये तीन टॉपिक्स आते हो। सारी मैथ नहीं सीखनी है, सब कुछ नहीं सीखना है, आपको लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी सीखनी है। आप लीनियर अलजेब्रा के अंदर मैट्रिक्स एंड वेक्टर्स पे फोकस करें, बाकी आपको रिसोर्सेज पे भी हम लोग ले चलेंगे। आपके लीनियर अलजेब्रा, स्टैटिस्टिक्स के लिए एंड प्रोबेबिलिटी के लिए भी सब चीज़ें हैं, प्लेलिस्ट है, प्लस PDFs हैं, उनको मैं दे रहूँगा आपको, आप उनसे पढ़ें। और YouTube पे यार जानते हो आज के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप सर्च करें और आपको उसका कोर्स और उसकी वीडियोस ना मिले। दो दो तीन तीन घंटे, चार चार घंटे की सबकी वीडियोस मिलेंगी। आपको थोड़ा थोड़ा सीखना है,
ज़्यादा पूरा पूरा नहीं सीखना है, बस आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अगर ट्वेल्थ में आपने मैथ ले रखी थी तब तो आपके लिए ईजी होगा, क्योंकि आपने थोड़ा थोड़ा पढ़ रखा होगा ये टॉपिक। तो बस इतनी नॉलेज है कि आप जानते हो चीज़ें कैसे, लीनियर अलजेब्रा क्या है, कैसे वर्क करता है, प्रोबेबिलिटी कैसे वर्क करती है, तो आप डायरेक्ट मशीन लर्निंग पर सीख सकते हो। ठीक है, थोड़ा थोड़ा आपको रिविजन ज़रूरत है बस। ओके, अब आते हैं स्टेप फाइव पे। स्टेप फाइव हमारा एक तरीके से मेन मशीन लर्निंग का सिस्टम शुरू हो गया है यहाँ से। ये जितनी भी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं सारी मशीन लर्निंग के एक तरीके से मेन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको आपको क्लियर करना है। जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, इनके बारे में आपको अच्छी खासी थ्योरिकल नॉलेज होगी एंड प्रैक्टिस आप कर चुके होंगे, तब आप एक तरीके से बोल सकते हो मुझे मशीन लर्निंग आती है। बट आप सीखने के फेज पे हो, अभी आप प्रोफेसर नहीं बन चुके हो। प्रोफेसर जब ही इंसान बन सकता है जब प्रैक्टिस कर चुका हो, कम से कम 5-10 प्रोजेक्ट्स बना चुका हो। ठीक है, उसके बाद भी बहुत टाइम लगता है इन सब चीज़ों में मास्टरी करने में। ठीक है, बाकी सीखने में कोई ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपके ऊपर है आप कितना टाइम दे रहे हो, आपकी लर्निंग स्पीड क्या है, कितनी जल्दी चीज़ें समझ में आती है, ये सारी फैक्टर्स मायने रखते हैं। तो आपको अगर सही से पूछे तो मशीन लर्निंग को हम 3 ब्रांच में डिवाइड कर सकते हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड एंड रीइन्फोर्समेंट। ठीक है, ये 3 में डिवाइड कर सकते हैं। उसके बाद आपका लीनियर रिग्रेशन हो गया, लॉजिस्टिक रिग्रेशन हो गया, क्लस्टरिंग हो गया, ये टॉपिक हो गया, KNN, ये सारे टॉपिक्स हैं। आप रोड मैप को, आप बहुत से लोग बच्चे समझते हैं क्या कि पूरा टॉपिक आपको समझाया जाएगा, मशीन लर्निंग नहीं समझाई जा रही। मशीन लर्निंग कैसे सीखना है उस चीज़ का रास्ता बताया जा रहा है, क्या क्या आपको वहाँ पर पॉइंट्स मिलेंगे, क्या क्या टॉपिक्स मिलेंगे, क्या क्या सीखना है ये बताया जा रहा है। तो अगर मैं पर्टिकुलर एक एक सुपरवाइज लर्निंग क्या है, कैसे वर्क करती है, अनसुपरवाइज से कैसे अलग है, तब तो हो गया, 5-6 घंटे में खा जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप सीखना चाहेंगे तो आप बताना, उस चीज़ पे भी ध्यान देंगे। फिलहाल अभी वेब डेवलपमेंट चल रहा है, जब तक वो कंप्लीट नहीं होगा मैं कोई अदर ब्रांच बिल्कुल भी छूंगा नहीं। मेरी आदत है जब एक चीज़ कंप्लीट होगी देन दूसरा शुरू होगा। और वेब डेवलपमेंट के बाद यार DSA का पूरा मैं सोच के बैठा हूँ। अगर मेरे को लगता है कि मैं उतना कैपेबल हूँ तो मैं एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्लस DSA को बहुत ही बेहतरीन तरीके से, कुछ यूनिक तरीके से लाने की कोशिश करूँगा। बट अभी वेब डेवलपमेंट उसकी बहुत ज़्यादा सारी प्रैक्टिस, जिससे आपका एक स्किल तो मतलब टिक लग जाए कि हाँ आपको वेब डेवलपमेंट आता है, कुछ नहीं हुआ ज़िंदगी में, कुछ नहीं कर पाए तो वेब डेवलपमेंट से अच्छा खासा कमा लोगे। 20-25-30 हज़ार रुपये से नीचे तो कोई हालत में ऐसा है ही नहीं, और बाकी तो 1-1.5 लाख जो आपकी आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है। तो एक टिक तो लगाना ही लगाना है, उसके बाद अदर हम लोग स्किल्स पर चलेंगे। तो SVM सपोर्टर वेक्टर मशीन, ठीक है, सपोर्ट वेक्टर मशीन SVM, डिसीजन ट्रीज, रैंडम फॉरेस्ट, ओवरफिटिंग एंड अंडरफिटिंग, ये सारे टॉपिक्स मैं क्यों बता रहा हूँ, अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करने जाते हो या किसी भी कोर्स को कर रहे हो तो ये चेक कर लेना कि ये टॉपिक्स के अंतर्गत दिए गए हैं या नहीं दिए गए, तो इंडेक्स में पता चल जाएगा। रेगुलराइजेशन, ग्रेडियंट डिसेंट, स्लोप, कन्फ्यूजन मैट्रिक्स, ये सारे टॉपिक्स आपके मशीन लर्निंग एल्गोरिथम के हैं। ये सारे टॉपिक्स जब आप पढ़ते हैं तो आपको मशीन लर्निंग की बेहद ही कोर इन्फॉर्मेशन मिलती है, ये कोर पार्ट आप बोल सकते हो। ओके, अब हम लोग आते हैं डेटा प्री प्रोसेसिंग फॉर हायर एक्यूरेसी। डेटा प्री प्रोसेसिंग, आपके पास डेटा है बट एक्यूरेट डेटा बनाना पड़ता है, स्ट्रक्चर वाइज एंड काम का डेटा बनाना पड़ता है। एंड एक शब्द देख रहे होंगे हायर एक्यूरेसी, इसका एक एग्जांपल देना चाहूँगा, टेस्ला का ही देते हैं। चलो मान लो सेल्फ ड्राइविंग कार है, आप बैठे हुए हो, कार चल रही है, आप अपना म्यूजिक सुन रहे हो या फिर जो भी आप कर रहे हो, कार अपने स्पीड से चलती जा रही, कहीं पर बोर्ड लगा हुआ है स्टॉप का, तो वहाँ पर कार को रुकना होता है। मान लो उधर से ट्रेन निकल रही है, कोई भी बड़ा गाड़ी निकल रहा है, और वो बारिश के कारण से जो बोर्ड का थोड़ा सा पेंट हट गया है, स्टॉप का एस जो होता है, मतलब स्टॉप लिखा है तो एस बिगड़ चुका है। अब अगर आपकी टेस्ला कार जो निकली उसके सेंसर ने उसको डिटेक्ट नहीं कर पाया और मशीन लर्निंग मॉडल उसको नहीं समझ पाया, आप ये सोचिए कि अगर ये एक्यूरेसी बिगड़ जाएगी तो कितनी बड़ी जानमान की दिक्कत हो सकती है। इसीलिए मशीन लर्निंग मॉडल का दो चीज़ें देखो, एक एफिशिएंसी, एक एक्यूरेसी, दोनों इम्पॉर्टेंट होता है। एक्यूरेसी मतलब कितने अच्छे से वो चीज़ों को डिटेक्ट कर पा रहा है। अगर थोड़ा बहुत आपने मान लो उसको स्टॉप का बोर्ड दिखाया गया, जब ऐसा बोर्ड आए तो आपको रुकना है, अगर थोड़ा बहुत बोर्ड में परिवर्तन है तब भी वो खुद से अंदाज़ा लगा पाए, ये चीज़ होनी चाहिए। और इफिशेंसी मान लो कार रुक तो रही है पर रुकते रुकते वो बढ़ चुकी है आगे, जल्दी नहीं रुकी, तब भी दिक्कत है। तो इफिशेंसी के वजह कितनी तेज़ी में वो काम हो रहा है, एक्यूरेसी कितना परफेक्टनेस के साथ वो काम हो रहा है। तो ये सब चीज़ें मशीन लर्निंग मॉडल के अंदर जब भी संभव है, जब ये तो आप एल्गोरिथम अच्छे बनाएं, दूसरा डेटा भी आपका अच्छी तरीके से हैंडल किया जा रहा हो, जिनमें ये कुछ पॉइंट्स हैं इन पर हम लोग को ध्यान देना होगा। हैंडलिंग नल वैल्यूज़, मतलब खाली जो वैल्यूज़ होती हैं डेटा के अंदर उनको हैंडल करना, स्टैंडर्डाइजेशंस का हैंडलिंग, कैटेगोरिशियल वैल्यूज़ का,
वन हॉट इनकोडिंग का, फीचर स्केलिंग का, वन हॉट इनकोडिंग आपका जैसे कि कोई डेटा टाइप एक्सचेंज होता है, स्ट्रिंग डेटा टाइप को इंटीजर में कन्वर्जन करना होता है, इस टाइप की इनकोडिंग होती है। ये सारे टॉपिक्स यूज़ करके आप डेटा को स्ट्रक्चर वाइज यूजफुल डेटा में कन्वर्ट करते हो, जिससे डेटा प्रीप्रोसेसिंग होती है एंड आपका मॉडल बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनता है। कोई भी मॉडल की इफिशेंसी एंड एक्यूरेसी उसके डेटा पर और उसके आपके एल्गोरिथम पे ही डिपेंड करती है कि कितने अच्छे से आपने उनको डिज़ाइन किया हुआ है। कोई भी इसमें एक चीज़ ये भी होती है कि परसेंटेज का खेल होता है कि अगर एक पर दो मॉडल हैं, एक है 98% एक है 99%, तो 99% वाला बहुत ऊपर है आप ये मान के चलें, क्योंकि 1% भी अगर उसने प्रेडिक्शन सही करी तो उससे काफ़ी सारी चीज़ें इधर की उधर हो सकती हैं। मान लो आप मौसम का अंदाज़ा ले लें, तो अगर कोई दो मॉडल हैं जो मौसम बताते हैं कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, एक मॉडल 97-98% सही बताता है और एक 99% सही बताता है, तो आप 99% वाले की तरफ ही जाएंगे, या आपकी भी सोच हो सकती है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं यहाँ पे स्टेप 7 पे। जब आप ये सब चीज़ें सीख लिए हैं तो आपको कुछ मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज को सीखना पड़ेगा। पहले जो बताई थी पाइथन लाइब्रेरीज थी, ये मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज भी उसी के अंतर्गत आती हैं। मशीन लर्निंग लाइब्रेरीज क्या है? कुछ मॉडल्स पहले से बना दिए गए हैं, उनको लाइब्रेरीज में कन्वर्ट कर दिया गया है, तो उससे हम लोग को आसान रहता है, हम लोग को पूरी चीज़ें खुद से नहीं करनी होती, हम लोग लाइब्रेरीज का यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपका scikit-learn, ये क्या है, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, जैसे आपका SVM हो गया, KNN हो गया, ये सारे आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, रिग्रेशन से लेकर और काफ़ी सारे इसमें जो टॉपिक हैं आपको ये मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अंदर, इस scikit-learn के अंदर ये एक काफ़ी अच्छी लाइब्रेरी है, काफ़ी ज़्यादा यूज़ की जाती है। matplotlib एक ये भी लाइब्रेरी है जो डेटा हैंडलिंग के लिए यूज़ होती है, डेटा प्रेजेंटेशन के लिए यूज़ होती है। तीसरी ये TensorFlow का नाम आपने शायद सुना भी होगा, अगर आप इस फील्ड के बारे में थोड़ा भी पढ़े होंगे। ये गूगल के द्वारा बनाई गई लाइब्रेरी है और ये डीप लर्निंग के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। अब भैया डीप लर्निंग क्या है? जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मशीन लर्निंग इज़ अ ब्रांच ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वैसे डीप लर्निंग इज़ अ ब्रांच ऑफ मशीन लर्निंग, मतलब आपका डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है। मतलब जैसे मैं बताता हूँ, अगर मैं एग्जांपल लूँ, एक सेकंड आप मेरे को दें, ये मान लो ये आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ठीक है, देन ये आपका जो मैंने गोला बनाया है ये मशीन लर्निंग है, ठीक है, और इसी के बाद में इसका एक छोटा सा कोर का हिस्सा अगर मैं और बनाना चाहूँ, ये लो, ठीक है, तो ये क्या है, ये जनाब आपका डीप लर्निंग है। ओके, तो मैं इसको कैटेगराइज कर देता हूँ, ये हो गया AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये हो गया ML मशीन लर्निंग, और ये हो गया आपका डीप लर्निंग जो कोर पार्ट होता है मशीन लर्निंग का। इसके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे ANN आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क, जिस तरीके हमारे माइंड्स में बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं उसी तरीके एक न्यूरल नेटवर्क होता है जिसके जरिए आपका चीज़ें, मतलब जैसे हम लोग सोचते हैं वैसे ही कंप्यूटर सोचता है। आपका ChatGPT भी इसी मॉडल पे काम करता है, ठीक है, तो ये आपका TensorFlow डीप लर्निंग के लिए है। जब आप इस चीज़ को क्या कहते हैं, बहुत अच्छे से मशीन लर्निंग पढ़ लें, देन आप डीप लर्निंग का यूज़ करें, डीप लर्निंग के बारे में सीखें, उसकी लाइब्रेरीज TensorFlow के बारे में सीखें। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं स्टेप 8 के बारे में। अभी तक स्टेप 7 तक आपने मशीन लर्निंग को सीख लिया, मैं मान के चलता हूँ, ठीक है, आपने काफ़ी कुछ सीख लिया, बट मशीन लर्निंग मॉडल्स को कहीं ना कहीं यूज़ तो करना होगा, तो उसके लिए हम लोग को डिप्लॉय करना होता है, मतलब मशीन लर्निंग मॉडल को किसी चीज़ के साथ जोड़ना होगा, या तो कोई आप ऐप बनाएं उसके साथ मशीन लर्निंग मॉडल इंटीग्रेट करें, या वेबसाइट वेब एप्लीकेशंस आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं उनके साथ आप मशीन लर्निंग मॉडल आप इंटीग्रेट करें। एग्जाम्पल मैं दे सकता हूँ, ChatGPT का एक वेबसाइट है बट बैकएंड में आपका मशीन लर्निंग मॉडल है, ठीक है, NLP मॉडल है, ये सब चलते हैं, तो आपको डिप्लॉयमेंट आना चाहिए जिसके लिए आप मर्न स्टैक मतलब वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं, ठीक है, वेब डेवलपमेंट। अब मैं एक अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, हो सकता है आप लोग या कुछ इंडस्ट्री के लोग उस चीज़ से कहें कि ऐसा नहीं है, ज़रूरी नहीं, पर मैं अपना ओपिनियन शेयर कर रहा हूँ, आपका अलग हो सकता है। मेरा मानना है कि अगर आप मशीन लर्निंग सीखने जा रहे हैं तो पहले आप ऐप डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट, या फिर मैं सीधे बोलूं तो आप वेबसाइट डेवलपमेंट सीखें, क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट एक ऐसी फील्ड है जहां पर आपको इंस्टेंट रिजल्ट मिलते हैं। आपको ये दिखेगा कि आपने कुछ कोड किया, उससे कोई चीज़ बनी, तो आपको एक थोड़ा सा अच्छा महसूस होता है, सेंस ऑफ अचीवमेंट मिलती है।
आपका अपना कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ मैंने कुछ बनाया है। और जब आप एक तरीके से वेब डेवलपमेंट सीख लेते हैं तो एक काफ़ी बड़ी स्किल आपके पास होती है, उससे आप कुछ पैसा भी कमा सकते हो, खुद के अंदर कॉन्फिडेंस भी होता है कि मैं कुछ प्रोडक्ट भी बना सकता हूँ। देन जब आप मशीन लर्निंग यूज़ करते हो, सीखते हो, तो मशीन लर्निंग को इंटीग्रेट भी आप वेब डेवलपमेंट के साथ कर सकते हो। तो एट द एंड मशीन लर्निंग मॉडल चलेगा तो वेबसाइट्स पे ही, तो पहले वेब डेवलपमेंट सीखना चाहिए, इससे बहुत ज़्यादा फायदे होते हैं। और आपको ये भी पता चलता है कि कोडिंग के प्रति आपका कितना लगाव है। हो सकता है जितना आपको लगता हो जब आप असल में कोड करने बैठे उतना हो ना, तो आप वेब डेवलपमेंट तो फिर भी मशीन लर्निंग के देखते बहुत ही ठीक इजी है। ठीक है, मैं बिल्कुल इजी नहीं बोलूँगा, कुछ टॉपिक उसके अंदर भी हैं, बट फिर भी सही है। तो अगर आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं अच्छे से, तब आप उस पर जाएँ, स्विच करें। डायरेक्ट मशीन लर्निंग पर जाएंगे, मैथ्स होगी, एल्गोरिथम्स होंगे, वहाँ पर आपको रिजल्ट इंस्टेंट नहीं मिल रहे होंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, कोडिंग आपको हार्ड लगेगी, आप चले जाएंगे। बट अगर आपने डिप्लॉयमेंट सीखा है, आप वेबसाइट्स बना रहे हो, आपको इंस्टेंट कुछ दिख रहा है कि हाँ मैंने एक HTML का टैग लिखा है, उससे मुझे कुछ क्रिएट होता दिख रहा है, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये मेरा मानना है, हो सकता है कुछ इंडस्ट्री के लोग का या आपका अपना पर्सनल ओपिनियन हो। आप प्लीज़ कमेंट में ये बताएं कि आपका ये मानना है या नहीं है कि वेब डेवलपमेंट पहले सीखना चाहिए या नहीं। ठीक है, अब उसके बाद में दूसरा पॉइंट, यहाँ पे एक डेटा सेट लिखा है, कोई भी आप मशीन लर्निंग मॉडल बनाएंगे तो डेटा बहुत ज़रूरी है। बिना डेटा के आधार पर मशीन लर्निंग मॉडल क्या है? कुछ नहीं है। वो बिना डेटा को पढ़े, बिना डेटा का यूज़ करे चल ही नहीं सकता है, तो डेटा की ज़रूरत होगी। अब कोई स्टूडेंट सीखना चाहता है डेटा सेट कहाँ से लाएगा, तो डेटा सेट आपकी एक वेबसाइट है कैगल, कैगल करके एक वेबसाइट है, उसके अंदर आपको काफ़ी अलग अलग टाइप के डेटा सेट मिल रहे हैं जिनको आप अपने स्टडी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हो, उनसे मशीन लर्निंग मॉडल्स बना सकते हो। तो कैगल एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है, कोई स्पॉन्सर नहीं है, इसको यूज़ किया जाता है मार्केट के अंदर। जो भी स्टूडेंट्स होते हैं या फिर जो भी प्रोफेशनल्स होते हैं, अगर प्रैक्टिस बेस पे हैं तो डेटा सेट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग आते हैं स्टेप 9 पे। स्टेप 9 के लिए रिसोर्सेज, आप रिसोर्सेज के लिए आपको डाउनलोड सेकंड PDF, एक सेकंड PDF ये तो है ही है, इसके बाद एक दूसरी PDF भी नीचे वो डाउनलोड करनी है, वहाँ पर आपको बेस्ट रिसोर्सेज मिलेंगे। तो मैं रिसोर्सेज को भी जल्दी से आपको मैं दिखा देता हूँ लगे यहाँ फटाफट से। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने एक PDF ये सेकंड वाली खोल ली है, मेरे द्वारा बनाई गई PDF है। देखो फर्स्ट मैं ये लिंक ओपन करूँगा, फर्स्ट लिंक में क्या आएगा, ओके फर्स्ट लिंक में यहाँ आएगा लीनियर अलजेब्रा की PDF। जिनको थोड़ा सा भी लीनियर अलजेब्रा की नॉलेज है वो यहाँ से लीनियर अलजेब्रा सीख सकते हैं। ठीक है, लीनियर अलजेब्रा सीख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप कंटेंट देख लें क्या क्या चीज़ें हैं, ओके, और इस हिसाब से आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो ये एक PDF की लिंक मैंने दे दी डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं थोड़ा बैक आने पे सेकंड आप लिंक ओपन करें, सेकंड लिंक पे आपको किस चीज़ की मिलती है, यहाँ पे आपको स्टेटिस्टिक्स की मिल जाती है, रिविज़न नोट्स, सारे टॉपिक्स यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके वर्क करती हैं, डेटा कलेक्शन के बारे में सारे मतलब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। तो ये अच्छी अच्छी PDFs जो मिली, जो इंडस्ट्री में घूम रही हैं, फ्लोट कर रही हैं, वो मैंने अच्छी अच्छी चीज़ें निकाल के आप लोगों के लिए यहाँ पे रख दी है लिंक वाइज, जिससे आपको ढूंढना ना पड़े, वो मैंने एक सारा काम कर लिया आपके लिए। ठीक है, तीसरी लिंक है एक प्लेलिस्ट की, जो कि आपको मशीन लर्निंग के लिए काफ़ी कुछ सिखाती है। मशीन लर्निंग के लिए मैथ्स का पूरा यहाँ पे दिखाया जाता है कि जो एसेंशियल मैथमेटिक्स है मशीन लर्निंग के लिए, काफ़ी अच्छी PDF है, IIT रुड़की के द्वारा जो प्रोफेसर्स हैं उनके द्वारा बनाई गई है, तो बहुत ही आप प्रोफेशनल मान सकते हो, जो पढ़ाया गया बहुत ही उत्तम क्वालिटी का है, सीधे बोल सकता हूँ। तो ठीक है, आप यहाँ से मैथ्स पढ़ सकते हो मशीन लर्निंग के लिए। तो मैंने कुल मिला कि जितना हो सकता था उतना अपनी तरफ से सारी चीज़ों को कलेक्ट करके एक जगह पे मैंने रख दिया कि आप बस इस वीडियो के बाद तुरंत स्टार्ट कर दें। ठीक है, तीसरी वेबसाइट है एलिमेंट्स ऑफ AI, इसको ओपन करते ही ये सारी कोर्स रिलेटेड वेबसाइट्स हैं। तो इसमें क्या होगा कि आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। एक सेकंड बस दें मेरे को, यहाँ पे मैं सारे कोर्सेज को आपको वन बाय वन दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा स्टार्ट आवर कोर्सेज, ठीक है, इस पे गए तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ AI और बिल्डिंग ऑफ AI दो चीज़ें मिल रही हैं, इन पे भी आप देख सकते हो। मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इन चीज़ों को दिखा रहा हूँ जिससे आपको भी नोटिफिकेशन दिख गई होगी कि भैया आपका लैपटॉप कभी भी ऊपर जा सकता है। यहाँ पे एक गूगल का क्रैश कोर्स है जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है मशीन लर्निंग के लिए, ये आपका मतलब एक तरीके से वन ऑफ द बेस्ट कोर्सेज में है। आपको बस स्टार्ट क्रैश कोर्स पे क्लिक करना है, देन आप वन बाय वन सारे टॉपिक्स को समझ सकते हो बहुत बढ़िया तरीके से। ठीक है, तो जो जो अच्छे अच्छे गूगल के कोर्सेज थे या जो अच्छे स्टैनफोर्ड के थे वो सारे मैंने दे रखे हैं। मेड विथ ML इस पर जा सकते हो, डीप लर्निंग करिकुलम ये जो वेबसाइट है इस पर जाऊँगा, यहाँ पर एंड्रयू एनजी का एक कोर्स होगा, हाँ AI फॉर everyone, तो एंड्रयू एनजी काफ़ी अच्छे प्रोफेसर हैं, इनका जो कोर्सेज है बहुत बढ़िया माना जाता है, deeplearning.ai वेबसाइट पे आप देख सकते हो, आपको मिल जाएगा। ओके,
और आपका फास्ट एपीआई पार्ट वन, फास्ट एपीआई पार्ट टू पे जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको इसी से रिलेटेड कोर्स मिलेगा। CS50 आप जो देख रहे हैं इस पर भी आपको इसी से रिलेटेड कोर्स मिलेगा। फुल स्टैक डेवलपमेंट के साथ कैसे आप इंटीग्रेट कर सकते हो किसको, AI मॉडल को, इसके लिए आपको 11 नंबर पे जाना होगा। देन पाइथन बेसिक्स जो आप देख रहे हो, अगर किसी को पाइथन नहीं आते तो उनसे रिलेटेड भी मेरे को कोर्स मिला है तो मैंने डाल दिया है, बाकी यूट्यूब पे काफ़ी अच्छे अच्छे टीचर्स ने पढ़ा रखा है, ठीक है, और इन फ्यूचर मैं भी ले आऊँगा। उसके बाद में डेटा प्रोसेसिंग के बारे में यहाँ पर बता ही दिया गया 13 नंबर पे, ये आप देख सकते हो डेटा प्रोसेसिंग जो मैंने टॉपिक लिया था उससे सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। और आपको अदर रोड मैप चाहिए वेब डेवलपमेंट ऐप डेवलपमेंट का, तो मैंने एक प्लेलिस्ट की लिंक दी है अपनी यहाँ पे, तो ये वाली प्लेलिस्ट ऑफ ऑल रोड मैप्स ये देख सकते हो। वेब डेवलपमेंट कंप्लीट A to Z सीखना है, मन स्टेक डेवलपमेंट, तो ये वाली लिंक पे जा सकते हो 15 नंबर वाली पे, तो सारा यहाँ पे दे रखा है, बस आपको चेकआउट करना पड़ेगा। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, थोड़ी थोड़ी चीज़ें मिला के सारी सारी चीज़ें बन जाती हैं। जैसे स्टेप 10 पे क्या है, सब्सक्राइब करना है आपको, नीचे लाल बटन है उसको सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे भी थोड़ा सा एक खुशी मिलती है, वीडियो को लाइक करें जिससे मुझे थोड़ी मोटिवेशन मिलती है, आप बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आने वाले टेस्टिंग कोडिंग वीडियो कोर्स नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहेगी। अब देर नहीं करनी है, रिसोर्सेज को चेक करना है, जो कोर्स जैसा अच्छा लगे वहाँ से स्टार्ट कर दो, पढ़ना स्टार्ट कर दो। पहले पाइथन अगर नहीं आती तो पाइथन सीखो, लाइब्रेरी सीखो, देन मैथ्स भी पढ़नी जरूरी है, ओके। तो बस अब लोगों को स्टार्ट करना है, फोड़ना है, कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं होती है, समय लगता है पर प्रोसेस को एंजॉय करेंगे तो जरूर एक ना एक दिन चीज़ों को सीख जाएंगे। रिजल्ट आते रहते हैं पर आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, ओके। इसी के साथ अपने वीडियो को विराम देता हूँ, थैंक्स वॉचिंग फ्रेंड्स, जय हिंद जय भारत।